राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने कोटे से अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को 10% सीट आवंटित करेगी। पार्टी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी वाले महायुति गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसमें अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी 4 में से 3 सीट हार गई थी। जन सम्मान यात्रा को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले अक्टूबर और नवंबर के लिए ₹3,000 मिलेंगे। उन्होंने कहा, मैं अल्पसंख्यक समुदाय को बताना चाहता हूं कि हमने विधानसभा चुनाव में एनसीपी की ओर से लड़ी जाने वाली सीटों में से 10% सीटें अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को आवंटित करने का फैसला किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने कोटे से अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को 10% सीट आवंटित करेगी। पार्टी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी वाले महायुति गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसमें अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी 4 में से 3 सीट हार गई थी। जन सम्मान यात्रा को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले अक्टूबर और नवंबर के लिए ₹3,000 मिलेंगे। उन्होंने कहा, मैं अल्पसंख्यक समुदाय को बताना चाहता हूं कि हमने विधानसभा चुनाव में एनसीपी की ओर से लड़ी जाने वाली सीटों में से 10% सीटें अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को आवंटित करने का फैसला किया है।